युद्ध स्मारक होशियारपुर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती ईशा कालिया ने श्रद्धांजलि भेंट करते हुए कहा कि देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसका सबूत है कि आज पूरा देश शहादत का जाम पीने वाले सैनिकों को नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कारगिल की लड़ाई में देश के 527 सैनिक शहीद हुए, जिनमें से 13 सैनिक जिला होशियारपुर से थे। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल श्री जे एस टिल्लो VMS, जिला रक्षा सेवाएं कल्याण अधिकारी कर्नल दलविंदर सिंह, ब्रिगेडियर मनोहर सिंह, कर्नल मलूक सिंह, कर्नल के महिंदर सिंह, कर्नल रघुवीर सिंह आदि की ओर से भी शहीदों के स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस अवसर पर कारगिल युद्ध की वीर नारियों व शहीदों के पारिवारिक सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इसके अलावा 31 लाभार्थियों को सशस्त्र सेना दिवस में से वित्तीय सहायता की शादी ग्रांट के तौर पर 3,43,000 रुपये के चेक भी सौंपे गए। डिप्टी कमिश्नर कम प्रधान जिला सैनिक बोर्ड श्रीमती ईशा कालिया ने कहा कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की बदौलत ही आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक अच्छे नागरिक की तरह समाज में कार्य करे। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, शहीदों की कुर्बानी के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने शहीद परिवारों से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनके साथ है और यदि उनको कोई समस्या आती है तो पहल के आधार पर उनकी समस्या हल की जाएगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में पूरा मान सम्मान बहाल रखा जाएगा। उन्होंने सैनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी व प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के शिक्षार्थियों को शहीदों के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। होशियारपुर से दलजीत सिंह अजनोहा की रिपोर्ट। कारगिल शहीदों के परिवार, साबका सैनिक, विधवावां, जो साड़िया सैनिक एसोसीएशन ने जिले के उन्होंने नुमाइंदे उन्होंने सारे को जी आया और बाकी बहुत सारे है जिन्होंने लड़ाई हिस्सा लिया और परमात्मा की मेहर ठीक ठाक रही है। बहुत सारे बाकी वेटरन्स अज असी कारगिल के शहीद, चाहे वह गारंटी वार्ड के अंदर हो या नहीं, अभी देख रहे पेपर काफ़ी कवरेज हो रही है। एक पढ़ के एक बार शरीर से कुछ होता है, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो, चाहे उस टाइम होगा जोगिंदर यादव लिरिक पर भी चक्रा, या शायद से कैप्टन बाना सिंह जी जिंदा ना ही बाना रखा जो सवेरे पेपर पढ़ रहे थे, पत्रा टॉप का ना रखा। एक नहीं है, मतलब ऑप्शन पढ़ो, देशियों पढ़ो, जवान पढ़ो, इंडियन आर्मी की खासियत है। और ये आश्वासन उन्होंने पाया गया है कि
हमेशा असी भी उन्होंने फैमिली है और उन्होंने नाम खड़ी सर मंत्री साहब की गल करिए सरदार पत्र जो वो स्पैशल समारोह रखे गए थे पर वो आए नहीं सर एक्चुअली यही मैसेज मैं मान्यता भी दूंगा सर की लास्ट मिनट पर एक मीटिंग हो रही थी बहुत छोटी सी सरकार में जिसने वो नहीं आ सके बट ये है कि सारी फैमिली बहुत अच्छे तरीके अज अज असी दिहाड़ा सैलीब्रेट किया उन्होंने नाम सैलीब्रेट किया है।